राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिहिया द्वारा नगर पंचायत बिहिया के वार्ड नंबर 11 स्थित महादलित बस्ती में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर के मुख्य पार्षद दीपक कुमार आलोक ने फीता काट कर किया। इस मौके पर BDO प्रफुल्ल चंद्र प्रकाश, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार, BSM राजू रंजन, वार्ड पार्षद बैजनाथ प्रसाद उर्फ भालू जी, विजय कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू जी समेत कई लोग मौजूद थे। शिविर में इलाज के लिए एक भारी संख्या में महादलित समुदाय के लोगों के अलावा क्षेत्र के अन्य लोग भी की भीड़ उमड़ी रही। इस मौके पर विभाग द्वारा आंख दांत के अलावा अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद रहे तथा मरीजों की जाँच की। शिविर में बच्चों एवं महिलाओं का टीकाकरण के अलावा खून पेशाब समेत अन्य जांच भी किया गया तथा मुफ्त दवा वितरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर उमेश यादव, रोहित प्रियदर्शी, डॉक्टर शालिनी जायसवाल, डॉक्टर मुखदेव यादव, डॉक्टर यूसुफ अली के अलावा NM सुनीता सिन्हा, आशा ठाकुर, प्रतिमा कुमारी, लैब टेक्नीशियन विनोद कुमार व विनीता कुमारी समेत कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। भुवनेश्वर सिंह के ना शिविर का मतलब क्या आयोजन किया गया, इस संदर्भ में क्या जानकारी देंगे? ऐसी जगहों पर हर बार हमेशा लगना चाहिए ऐसे स्वास्थ्य शिविर जहाँ के लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और कम पढ़े लिखे होने के चलते ये लोग हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं या सही रूप से इलाज नहीं करा पाते। ऐसे लोगों के लिए इनके घर पर स्वास्थ्य शिविर लगाना एक बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ के PSC के जो अनिल जी हैं, डॉक्टर अनिल जी, कि जिन्होंने ऐसी बस्ती को चुना जहाँ की स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और इनके इलाज के लिए इनके घर पर व्यवस्था कराई गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पदार पर जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, उनको स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था करना, यह मेरा प्रयास है। हमारा ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रयास, बिहार सरकार का प्रयास। तो ये स्वास्थ्य का मुद्दा को देखे हुए कि हम लोग हर घर में जाकर के टीकाकरण करते हैं, उसी तरह ये हर जितनी भी हमारी स्लिम बस्ती है, स्लिम जगह है, उसको भी हम लोग चाहते हैं कि हेल्थ में पूरा कांटेक्ट मिले। जैसे आप कांटेक्ट में है स्वास्थ्य के डायरेक्ट, उसी तरह इन लोग को भी हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है। कोई भी प्रॉब्लम, इन लोग का कोई दर्द भी हो तो हमारा जरूरत महसूस करे, कोई टीकाकरण दिलाना हो तो हमारा जरूरत महसूस करे, ये प्रयास है मेरा। ये मेरा नहीं, ये पूरे स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है। मतलब और नगर में पार्षद लोग बोल रहे थे कि 8 में भी लगे, 12 में भी लगे महादलित बस्ती। देखिए, हमारा जो होता है पूर्व निर्धारित एक तिथि होती है, ठीक है, ये हमारे द्वारा नहीं तिथि तय की जाती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या ये हमारे बिहार सरकार के ED होते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, वहाँ से तिथि तय की जाती है। आज 17 तारीख को पूरे बिहार में ये हेल्थ कैंप किया जा रहा है, ये आपका केवल बिहार में नहीं किया जा रहा है, पूरे बिहार में मास लेवल पर एक तिथि तय की जाती है। अगर इस तरह का फिर अगली तरह कोई तिथि तय होगी तो हम अगले वार्ड में करेंगे।